प्रथम हरि संस्थान का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ज्योति जला रखी पूरे देश के अंदर हवन करने के लिए। ये अपने हवन अपने जीवन में मानव जीवन में बहुत बड़ा प्रभावित करता है। सर्वप्रथम हम अगर डेली छोटा छोटा हवन भी, जरूरी नहीं कि 108 मंत्र करें, हम केवल 21 मंत्र 11 मंत्र कुछ भी करें, 10-15 मिनट से ऊपर का नहीं होता है। हवन हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखता है। हवन दादी ये वाला लट्टू बंद करना, स्वामी वाला ऊपर वाला, हाँ भैया जी के चेहरे पर आ रहा है बिल्कुल ही। सही पूछा जाए तो इसके अंदर जो सामग्री डलती है प्राकृतिक रूप में, जो चावल और क्या कहते हैं आपका तिल वगैरह, ये सारी चीजें एक ऐसी चीजें हैं जो कि आपको उसके रासायनिक केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे घर को शुद्ध करती है। इसके साथ साथ आप इस हवन को प्रतिदिन अपने बच्चों को समझाइए। आज एक चीज आप खुद समझते हैं, जब बच्चे बड़े जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये अच्छा जी चलो जी बच्चे जहाँ भी रहें खुश रहें, लेकिन ये मन में जो बात निकलती है बड़ी एक अजीब से ढंग से निकलती है, मन में टीस के साथ निकलती है। क्यों? क्योंकि बच्चों को हवन का सुख नहीं। पहले हवन के बहाने में सारा परिवार एकत्रित होता था कि दादाजी या पिताजी इतने बजे हवन करेंगे, सब इकट्ठे होते हैं। अब इस समय क्या हो गया, कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या अगर नॉन कॉन्वेंट में पढ़ते हैं वो भी हवन नहीं सिखाते, कोई रेयर कभी कभार कोई फंक्शन हुआ तो बात अलग है, कॉन्वेंट में तो वो भी मतलब नहीं है। तो मेरी भावना यहाँ पर यह है, सर्वप्रथम हमें गायत्री मंत्र आना चाहिए या आपका जो भी इष्ट है उस इष्ट का मंत्र हवन हमें करना चाहिए। आप अपने बच्चों को डेली बताएं, स्त्रियां या लड़कियां कन्या जो रजस्वला होती है उनको छोड़कर, उस दिनों को छोड़कर बाकी प्रतिदिन 15 मिनट का एक नियम बना ले, हमें सुबह सुबह उठ के हवन करना है। और वैसे भी ध्यान रखिए इस ब्रह्म मुहूर्त को लेकर सूर्या से पहले तक कभी भी हवन करा जा सकता है। शांति कुंज हरिद्वार आचार्य श्री राम शर्मा जी ने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने, इतने जितने महान पुरुष हुए महापुरुष, स्वामी विशुद्धानंद जी ने सबने इस चीज का अनुमोदन करा, स्वीकृति दी है कि हवन हम कभी भी कर सकते हैं। गृहस्थियों के लिए बहुत सारी छूटें दे रखी हैं। आप अपने घर के अंदर छोटा सा हवन कुंड लीजिए या नहीं हवन कुंड है तो तासला लीजिए, वो भी नहीं है। आप ईंटों का मिट्टी का कुछ भी आप जगह साफ करके लेप करके उसमें संविदा, लकड़ी को संविदा बोलते हैं, वो रखकर और अपने सीधा शुरू जाइए अपने इस देव और पूर्व पितरों को सबको प्रणाम करते हुए। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं गायत्री मंत्र बताता हूँ, आपने स्टार्टिंग कुछ भी के लिए मैं अपने सभी पूर्व पितरों को सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ साथ साथ में, और उसके साथ हे हवन देवता यज्ञ देवता को प्रणाम करता हूँ, शुरू जाइए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि यो प्रचोदयात् स्वाहा। इसके साथ में धन्यवाद। जो 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 लाइव टेलीकास्ट सब देख रहे हैं कि 1 बजे तक लेकिन यज्ञ चलता रहेगा, आप अपने नाम लिखाते रहें, फटाफट अपने रिश्तेदारों को फोन करें, नाम लिखवाएं और आप ये सिर्फ जो लाइव टेलीकास्ट में जो साधना चैनल टाइम मिला वो 1 बजे तक मिला। आप यज्ञ जी खत्म हो गया बेटा।